आपसे बात नहीं करें, चलो आपसे बात नहीं करें, क्यों हम आज भी आपसे कोई नहीं बात। सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सभी को नमस्कार, ये आशु भैया और ये हमारे निखिल श्रीवास्तव जो बहुत प्यारे हैं, और अगर मोहब्बत है तो सब कुछ कह सकते हैं। और आशु भैया से सालों साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, नाश्ता कराओ। अच्छा तक आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो नमस्कार और जय हिंद। हाँ, मैं आरती राम, हमारे साथ हैं आशुतोष भैया। आज हम लोग आए हैं एक दोस्त के मौसी जी के सगाई में। और सगाई में आने का टाइम थोड़ा पहले हम लोगों का और बाकी लोग लेट है, लेकिन जो लोग भी आएंगे उनके साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम लोग आपको सारा सिस्टम आज का दिखाएंगे। बहुत दिन बाद मिल करके बहुत सुकून मिल रहा है। 2 साल हो गया मिले हुए। 2 साल कहाँ हुआ यार, अभी वो बारात में 6 महीना हुआ जो है। 6 महीना हो गया, लेकिन बहुत दिन बाद हो मिल रहे हम लोग। अभी हम लोग आज आए हैं कहाँ पे पता है ना, गाजीपुर अवध पैलेस में एंगेजमेंट में। और यहाँ पे किसका एंगेजमेंट है अभी लगेंगे, वो मौसी जी का ही एंगेजमेंट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे माहौल बहुत ही धांसू है। साइड में पीछे तो रमाकम भाई अभी कोई आया ही नहीं है। नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले आ गए। वैसे जब हम लोग आए हैं तो काफ़ी माहौल शांत है ना, जब लोग आएंगे तो धमाल होगा। धमाल होना भी चाहिए क्योंकि ऐसा माहौल ही है यहाँ पे, दिखाने वाला और देखने वाला। पानी होने लगी, दौड़ रहे हैं भाई। अपना ब्लॉग का एडिटिंग करते हुए हाँ भाई, मेरा भी चैनल है आरजे रामू, अगर आपको थोड़ा बहुत मजा लेना है तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए इनके ब्लॉगिंग वाले चैनल को। सीख रहे हैं भाई, सीख नहीं रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी लेकर के बैठे हुए हम लोग यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे लेट हो गया एंगेजमेंट में, बस सब कुछ ही पल में स्टार्ट होने वाला है। लड़की यहाँ पे आ चुकी है, बस लड़की का वेट हो रहा है। पंडित जी अपना कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद बस कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। देखो देखो, आपके बर्थडे में आए थे ना भैया, हाय कर दो, हाय करो, अच्छा पकड़ के हमसे बोलो, बोल दे यार तुझे पूजा है। आप पार्वती से बैठ गए, किस किस का पूजा करती है? पार्वती जी भक्त, दुर्गा माँ भक्त, काली माँ भक्त। आप किन के भक्त है? अच्छा, आप अम्मा मामा का, आप किसके भक्त? मैं काल भैरव। काल भैरव और मैं राधा कृष्ण का। नहीं करना है आप लोगों को, नहीं बात करना है, नहीं बात करना है। यूट्यूब यूट्यूब मेरा चैनल है, अपलोड कर दें क्या आप लोग करने के लिए अपने चैनल पे? नहीं। क्यों? हम लोग तीनों लोग दोस्त है ना, इनसे नहीं बात करनी है ना। बोले हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चलो आपसे बात नहीं करोगे आपसे क्यों? हम भी आपसे आप कोई नहीं बात करेंगे करे, आपसे क्यों बात करें? आपसे क्यों बात करें? हाँ किसके लिए होता है? पैसे के लिए होता नहीं है। किसके लिए होता है बताओ? बोलने के लिए होता है। बोलने के लिए होता है या तो मेकअप के लिए? झूठ मूठ की बदनाम है साहब, कभी मेकअप देखना है तो हमारे कमरे में आओ, दिखाएंगे कि मेकअप होता क्या है। ये 94 की का नंबर हो लास्ट में, आशुतोषी का है ना? इसको हम ले लेते हैं, ले लेंगे तो काट देंगे।
तो काट देंगे आपको। हम लोग देखते हैं कि कौन किसका भक्त है। आप किसका भक्त है? मैं पार्वती जी की, काली माँ की, दुर्गा माँ की। अभी और आप किसका भक्त है? ईश्वरलाफा का भक्त है ना। आप किसके भक्त है? शंकर, शंकर भैरव। शंकर भैरव, और हम सब लोग हैं शंकर भैरव के भक्त ना। और एक बार फिर बता दीजिए किसका भक्त है? ये है खुशियाँ है थोड़े हैं गुण, एक बार आके चला जाए जमाना, फिर ना मिलेगा जन्म दोबारा, हंसले गाले से परिया गई है। दीवाने की चाल में फंस गई है इस जाल में, कैसे क्यों कैसे बोलो बोलो। हाँ मुझ पे तो ऐ दिल रुबा तेरी खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, जुड़ी हमेशा खलकती रहे। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।